पुलिस के लिए अंतिम प्रहार सीरीज आई लास्ट है, हिंदी साहित्य पुरस्कार, हिंदी साहित्य दोनों पूरा कंप्लीट करेंगे आज हम, देखेंगे कम से कम 100+ वीडियो रहेंगे, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इसमें से। क्वेश्चन है इसमें, चांद का मुंह टेढ़ा है इनमें से किस कवि की रचना है? तो मुक्तिबोध की है। अगला क्वेश्चन है इसमें, नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो स्पिनगार्न, स्पिनगार्न ने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास अमीर खुसरो के जवान जीवन पर केंद्रित है? तो आईना साज। अगला क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद। छोड़ो मत यह सुख का कण है, छोड़ो मत यह सुख का कण है, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला है? तो हरिवंश राय बच्चन को। अगला क्वेश्चन है, कथा सतीसर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? तो चंद्रकांता के लिए। अगला क्वेश्चन है, आत्मनेय पद के रचनाकार कौन है? आत्मनेय पद के रचनाकार कौन है? तो अज्ञेय जी हैं। अगला क्वेश्चन है, समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के प्रकाशन कौन है? तो साहित्य अकादमी। अगला क्वेश्चन है, कैलाश वाजपेयी कृत हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, एबीसीडी के रचनाकार कौन है? एबीसीडी के रचनाकार कौन है? तो रविंद्र कालिया। अगला क्वेश्चन है, बागर्थ पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? बागर्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया है? तो भारतीय भाषा परिषद ने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? देहाती दुनिया के उपन्यास लेखक कौन है? तो शिव पूजन सहाय। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार नहीं है? तो मृदुला गर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पत्रिका का संपादन अज्ञेय ने नहीं किया है? तो नंदन ने। अगला क्वेश्चन है, त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं? त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं सुमित्रा कुमारी चौहान। इनमें से मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? आधे अधूरे। का खागा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इलाहाबाद से। अगला क्वेश्चन है, छंदानुसार रचयिता इनमें से कौन है? छंदानुसार रचयिता कौन है? छंदानुशासन के रचयिता कौन है? तो हेमचंद। इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था? इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था? तो नंद दुलारी वाजपेयी ने, नंद दुलारी वाजपेयी ने। आलोचना पत्रिका का क्या स्वरूप है? आलोचना पत्रिका का एक स्वरूप है जो कि त्रिमासिक। इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से जाना जाता है? तो राजकमल चौधरी को। अगला क्वेश्चन है, मेला आंचल उपन्यास के तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पुत्र का नाम क्या था? तो नीलोत्पल है। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किस कृति के लिए? तो अकाल में सारस। अगला क्वेश्चन है, रामधन शुक्ल ने इनमें से किसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है? तो इंदुमती। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो हृदय का है। अगला क्वेश्चन है, अनुभव की आकाश चांद में, आकाश में चांद काव्य कृति के लिए लीलाधर जावड़ी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है?
साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, युगांत के कवि कौन है? युगांत के कवि कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत है। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है? तो पत्रकारिता में। चंदायन किस भाषा का काव्य है? तो अवधी भाषा का है चंदायन। अगला क्वेश्चन है, भाषा पत्रिका के प्रकाशक कौन है? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय। पंचरू किस भाषा की रचना है? तो अपभ्रंश भाषा की। अमृत और विष किस कृति के लिए किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो अमृतलाल नागर को। कबीरदास को वाणियों की भाषा कौन सी? कबीरदास की तो सदुक्कड़ी भाषा है। अगला क्वेश्चन है, इदन मम के उपन्यासकार कौन है? तो मैत्री पुष्पा। अगला क्वेश्चन है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंकू मत, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो धर्मवीर भारती। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? तो प्रताप। अगला क्वेश्चन है, जाहि मन पवन न सच रही और रवि शशि नहीं प्रवेश, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो सरापा। जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? तो लीलाधर जगुड़ी को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस रचना का प्रथम भारत भारती सम्मान मिला है? तो महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन है, जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चहता आ रहा है वह धोखेबाज है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक किस वर्ष बने थे? तो 1903 में बने थे। अगला क्वेश्चन है, गिरिराज किशोर को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? तो पहला गिरमिटिया। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप किस प्रकार का समाचार पत्र था? हिंदी प्रदीप मासिक था। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं। तो मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन है, बोलका से गंगा इनमें से किस विधा की रचना है? तो कहानी संग्रह। अगला क्वेश्चन है, कामानी में कुल कितने सर्ग हैं? तो 15 है। अगला क्वेश्चन, निहार की रचनाकार महादेवी वर्मा है। अगला क्वेश्चन है, दुख की पिछली रजनी बीच विषकता सुख का नवल प्रभात, इस उक्ति की रचनाकार कौन है? दुख की मछली रजनी बीच और विषकता सुख का नवल प्रभात, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, बहुवचन पत्रिका के प्रकाशन कौन है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत की किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त मिला है? तो चिदंबरा के लिए। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय कृत कितनी नावों में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, मोको कहाँ ढूंढो बंदे में तो तेरे पास में है, यह उक्ति किस संत कवि की है? तो कबीर की है। चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है?
जयशंकर प्रसाद का। धर्मर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? धर्मर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? तो सूरदास। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो गारसादा त्यागी को। अगला क्वेश्चन है, लीलाधर जागुड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अनुभव के आकाश में चांद। अगला क्वेश्चन है, मैथिली सेनगुप्त ने इतिहास में अपेक्षा नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए हैं? साकेत। अगला क्वेश्चन है, अभ्युदय के लिए संपादक कौन थे? अभ्युदय के संपादक कौन थे? अभ्युदय के संपादक मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सोष्ठवादी आलोचना कौन है, आलोचक कौन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो मिर्जापुर, जो यूपी में है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था? तो बालाबोधनी। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, आवारामासी है इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है? शरद चंद। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? March 1954। लेखक की मृत्यु की घोषणा इनमें से किस विद्वान ने की? रोलावार्थ। इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है? केशवदास। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज सो कहीं नहीं, ये उसुंगति की रचना किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? क्या आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशन कौन है? प्रकाशन विभाग। यामा की रचनाकार कौन है? यामा, तो महादेवी वर्मा। करुणालय की रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। तुम में ढूंढूंगी पीड़ा ये उक्ति किस रचनाकार की है? तो महादेवी वर्मा की है। इनमें से अष्टछापे कवि कौन नहीं है? तो नाभादास नहीं है, कृष्णदास, सूरदास, नंददास तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कृति के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? किस कृति के लिए? टोकरी में दिगंता थेरी का था। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? निहार। अगला क्वेश्चन है, दशरथ में सुत्ती हूँ लोक बखाने, राम नाम का मरम है आना, इस उंगति में किस रचनाकार की है? कबीरदास की है। अगला क्वेश्चन है, निराला किस पत्रिका के संपादक थे? निराला किसके थे? तो मतवाला। अर्धनारी स्वर्ग रचनाकार कौन है? तो विष्णु प्रभाकर। गोविंद मिश्र कृत कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है,
संस्कृति पत्रिका का प्रकाशन कौन है? तो संस्कृति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, अक्षय भट्ट की रचनाकार कौन है? अक्षय भट्ट की रचनाकार कौन है? तो नासिरा शर्मा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम है? भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? तो वाकर्थ। अगला क्वेश्चन है, तो वार्षिकी के प्रकाशक कौन है? वार्षिकी के प्रकाशक कौन है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय। अगला क्वेश्चन है, गिरिजा कुमार माथुर कृत में मैं वक्त के हूँ सामने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो व्यास सम्मान भी मिला है और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, दोनों मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो अंग्रेजी भाषा में। रसिक प्रिया किस किस की प्रसिद्ध रचना है? रसिक प्रिया किस की है? तो केशवदास की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि के लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा गया है? तो बिहारी के। तो वीडियो आज यहीं समाप्त होता है। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आपका पेपर बहुत अच्छा बने, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।